नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री पे। वर्ल्ड हिस्ट्री में आज हम उन घटनाओं को समझेंगे जिसने फ्रांसीसी क्रांति को जन्म दिया। तो आप हमारे साथ बने रहें, शुरू करते हैं। फ्रांस में वंशानुगत राजतंत्र था। वंशानुगत का मतलब होता है राजा का बेटा या भाई ही राजा बनेगा। राजा अपने आप को परमेश्वर का प्रतिनिधि मानता था तथा जनता भी यही मानती थी, मगर धीरे धीरे लोगों की ये सोच बदलने लगी। सन 1643 ईस्वी में लुई 13 की मृत्यु के बाद उसका 5 वर्षीय बेटा लुई 14 सम्राट बना तथा उसकी मार संरक्षित बनी। इस समय फ्रांस का प्रधानमंत्री कार्डिनल मेडारिन था, जो सफलतापूर्वक अपनी सेवा देता रहा। सन 1661 में मेडारिन की मृत्यु हो गई। उसके बाद लुई 14 ने सत्ता की बागडोर अपने हाथों में ले लिया और खुद को प्रधानमंत्री भी घोषित कर दिया। अब इसके आगे प्रधानमंत्री की सीट पे कोई नहीं आने वाला था। लुई 14 का शासनकाल जो 1643 से लेकर 1715 तक रहा, इसमें राजतंत्र से लोग उब चुके थे तथा राजतंत्र अपने अंतिम चरण पे था। मैं ही राज्य हूँ ये कहकर उसने अपनी निरंकुश सत्ता का परिचय दिया। वो अपने इच्छा अनुसार कानून बनाता तथा कर वसूलता और सरकारी आय को मनमाने ढंग से खर्च करता। लुई 14 के ही शासनकाल में फ्रांस का फेमस पैलेस वर्साई का महल बना था। 1 सितंबर 1715 को वर्साई में इनकी मृत्यु हो गई। इनके बाद लुई 15 फ्रांस का सम्राट बने। इनका शासनकाल 1715 से लेकर 1774 तक चला। इनके ही शासनकाल में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच 7 वर्षीय युद्ध लड़ा गया था। 10 मई 1774 को लुई 15वें की मृत्यु के बाद लुई 16वें फ्रांस की गद्दी पर विराजमान हुआ। उस समय उसकी उम्र 20 साल थी तथा उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी अंतोनेट से हुआ, जिसकी वजह से फ्रांसीसी जनता और क्रोधित हो गई, क्योंकि ऑस्ट्रिया की वजह से ही फ्रांस ब्रिटेन से 7 वर्षीय युद्ध में हार गया था तथा इसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली गई, क्योंकि अब फ्रांस की कोई भी कॉलोनी रही नहीं, सब पे ब्रिटेन का कब्जा हो गया था। जब फ्रांस यूरोप में सुपर पावर था तब इसकी कई कॉलोनियाँ थी जिससे फ्रांस खूब पैसा कमाया, मगर फ्रांस का खजाना खाली होने लगा था जब से वर्साई का महल बनवाया गया था। इसी बीच अमेरिका में क्रांति हुई ब्रिटेन के खिलाफ। अब फ्रांस ब्रिटेन से बदला लेने के लिए अमेरिका का साथ दिया तथा अपनी आर्मी भी भेजा। ब्रिटेन तो अमेरिका से चला आया, मगर फ्रांस की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती गई, क्योंकि अपने बजट का बड़ा हिस्सा फ्रांस अमेरिकी क्रांति में खर्च कर चुका था तथा 12 अरब लीबरों का उस पर कर्ज था। कर्जदाता अब सरकार से 10% ब्याज की मांग कर रहे थे, जिसके फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर चुकाने के लिए मजबूर थी। अपने नियमित खर्चा जैसे सेना की रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालय एवं विश्वविद्यालय चलाने के लिए फ्रांसीसी जनता के ऊपर टैक्स बढ़वा दिए गए। उस वक्त फ्रांस की जनता 3 स्टेंट में बटी थी। पहले स्टेंट में पादरी वर्ग था, जिसे जन्मजात कुछ अधिकार प्राप्त थे और सबसे बड़ी बात वो टैक्स पे नहीं करते थे, उल्टा किसानों से वसूल करते थे चर्च या धर्म के नाम पे। दूसरा कुलीन वर्ग था, जो किसानों से टैक्स वसूल कर राज दरबार में ले जाता था। तीसरे स्टेंट में व्यापारी, मजदूर, किसान, यानी फ्रांस की 90% जनता जो सरकार को टैक्स पे करती थी, और टैक्स से बरसाए राजमहल में राजा रानी उनके अधिकारी शान शौकत से जिंदगी व्यतीत करते थे। फ्रांस में अब भ्रष्टाचार अपने चरम बिंदु पे था, लोग भूखों मर रहे थे। ऊपर से सरकार की दमनकारी नीतियाँ, जिससे किसी को भी पकड़कर जेल में डाल दिया जाता था, किसी भी नागरिक की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं थी। यही सब कारणों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन को जन्म दिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें।